हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के ब्लॉग में हम आपको यहाँ जो जो हम लोगों ने किया वो सब दिखाने वाले हैं। तो अभी आज हम लोगों मीन्स हमें और हमारी बड़ी बेटी को डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए जाना था, क्योंकि उसका ईयरली विजिट था और हमने ये अपॉइंटमेंट सेप्टेम्बर में लिया हुआ था। तो अभी उसका अपॉइंटमेंट आया था, जस्ट उसको हम लेके डॉक्टर के ऑफिस पर पहुँच चुके हैं और उसका नाम बुलाया गया था। तो वो अभी बड़ी हो गई है तो उसके साथ अब हमें जाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, जब बच्चे 18 साल के हो जाते हैं वो डॉक्टर स्पेशली चाहते हैं कि जब वो बुलाएं तो पेरेंट्स को आना चाहिए, अदरवाइज़ वो बच्चों से ही बात कर लेते हैं। कुछ जैसे ज़रूरी बात होती है तो डॉक्टर फिर हम लोगों को रूम में बुलाते हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए डॉक्टर से मिल के बाहर आ गए थे और उसका वेट कर रहे थे। उसका सब अच्छे से हो गया था, नर्स से सब कुछ हो गया था और जो भी बात एक्स्ट्रा जो करनी थी ने डॉक्टर से बात कर ली थी और फिर हम लोग बाहर आ गए थे। हम लोगों का 8:30 बजे का अपॉइंटमेंट था तो 10 बजे तक हम लोग फ्री हो गए थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि अभी क्या करना, और हम आए घर में दूध वगैरह सब ख़त्म हो गया था। तो हम लोगों ने सोचा चलो वहाँ से कॉस्टको होके आते हैं। कॉस्टको क्या है, यहाँ पे होलसेल का बहुत बड़ा स्टोर है, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। इवन अब ये लोग इंडियन आइटम भी रखने लगे हैं, जैसे दाल चावल ये सब, आटा वगैरह भी यहाँ पर मिल जाता है। जाओ तो सब काम अच्छे से हो जाते हैं। लोगों ने मेरे वीडियोज में मोस्टली यहाँ का ही वीडियो और क्लिप देखी होगी। तो हम लोग अभी कॉस्टको में आ गए हैं। यहाँ पे ये कॉस्टको 10 बजे सुबह खुल जाता है और होलसेल का स्टोर है, यानी कि थोक का स्टोर है। तो यहाँ पे आइटम आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे, लेकिन बस वही है कि हर हफ्ते ये लोग आइटम चेंज करते हैं तो आपको हर हफ्ते चक्कर मारना पड़ेगा। बट मेरा ऐसा नहीं होता है, हम बाई वीकली ही आ पाते हैं, 15 दिन में ही चक्कर लगा पाते हैं, क्योंकि दूध वगैरह हम एक साथ ही 2-3 कैंस लेके चले जाते हैं, जल्दी आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब भी आते हैं तो कपड़े हैं और भी सब चीज़ें हैं, जैकेट्स वगैरह हैं, सही दाम पे बहुत अच्छी से मिल जाते हैं। और जब भी आते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ नया ज़रूर देखने को मिलता है। तो हमें पहले तो स्टोर घूमने में ही बहुत अच्छा लगता है, लिस्ट बना के लेके जाते हैं तो फिर फटाफट फिर काम हो जाते हैं। तो उस दिन मौली को लेके गए थे, हम बोल दिए थे तो उसने भी जाके सब खरीद लिया था। मोस्टली हम ग्रोसरी का ही आइटम यहाँ से लेते हैं, जैसे कुछ नया लेते हैं जैकेट्स वगैरह वो आप लोगों को दिखा देते हैं। हॉलीडे सीज़न चल रहा है तो आप लोगों को आइडिया होगा, हर स्टोर अपना सेल वगैरह लगा रहे हैं कि उनका आइटम जल्दी से जल्दी बिके। तो हम मोस्टली यहाँ पे ही आते हैं और देख लेते हैं और फिर दूसरे स्टोर्स में जाकर चेक करते हैं, तो आपको प्राइस में बहुत फ़र्क मिलता है। आज और अभी आप देखें यहाँ पे आपको वाटरमेलन तरबूज वगैरह भी देखने को मिलेगा। ये हम लोग वेजिटेबल वाले सेक्शन में आ गए हैं। ये देखिए तरबूज बहुत बड़े बड़े रखे हुए हैं, ये देखिए आलू पूरा पैकेट भर के रखा हुआ है। तो एक साथ ही हम लेके आ जाते हैं, बहुत यूज़फुल रहता है क्योंकि बार बार नहीं तो स्टोर जाना बहुत मुश्किल होता है। ऑफकोर्स यहाँ इंडिया की चीज़ें हम बहुत मिस करते हैं, क्योंकि ये सब आइटम मिलता है 12 महीने मिलता है, लेकिन जो कहते हैं ना फ्रेश आइटम जो इंडिया में हमें मिलता है वो यहाँ कहाँ मिलने वाला है। इसलिए तो हमें फार्म मार्केट या फिर फार्म में जाओ वहाँ से लेके आओ, तो वो हम लोगों का नहीं हो पाता है। हर चीज़ बहुत दूर दूर है, बहुत हो जाता है, यहाँ सब कुछ मिलता है। बट स्टिल आई मिस माई इंडिया, बहुत याद आती है। लेकिन वही है ना, हम लोगों का जाने का कोविड के कारण इस बार बहुत टाइम के बाद हुआ, 4 साल के बाद इस बार हम लोग इस साल गए हुए थे तो बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने बहुत इंडिया में फन की। और ये देखिए मटर के बहुत बड़े बड़े पैकेट्स रखे हुए हैं, मिक्स वेजिटेबल सब पैकेट्स में ही आता है, फ्रोजन में ही रहता है। ऑफकोर्स जब भी जाते हैं सब इकट्ठा लेके आ जाते हैं। और इस तरह से हम लोगों का यहाँ पे लाइफस्टाइल रहता है। और ये देखिए ब्रेड वगैरह रखी हुई है, यहाँ पे हर तरह की आपको ब्रेड्स मिलेंगी, मल्टीग्रेन वाइट ब्रेड और सिनेमन वाली और जो अपने किशमिश वाली रहती हैं वो भी ब्रेड्स आपको मिलेंगी। तो बहुत तरह के ब्रेड्स के वेराइटीज़ यहाँ को आपको मिलेंगी। यहाँ पे ये देखिए बादाम का पाउडर भी रखा हुआ है, ये सब कुछ बहुत कुछ मिलता है। ये देखिए हमारा इंडियन आटा चक्की आटा रखा हुआ है। और हम लोगों को पेपर टॉवल वगैरह लेना था तो पेपर टॉवल वगैरह एकदम बहुत पीछे स्टोर में रखा हुआ था, तो वहाँ पर हम लोग वॉक करते हुए जा रहे हैं। सो ये सबसे लास्ट में रहता है, ये देखिए पेपर टॉवल वगैरह दिख रहे हैं, टॉयलेट पेपर हैं, पेपर टॉवल्स हैं, ये सब रखा हुआ है। तो ये सब बस पेपर टॉवल टॉयलेट पेपर ये सब हम लोगों ने ले लिया है। उसके बाद जब थोड़ा आगे बढ़े तो देखा पानी का बॉटल्स बहुत सेल पे रखी हुई थी। लोगों ने सुना होगा यहाँ पे पानी बहुत महंगा है। हाँ ऑफकोर्स, जैसे कि अगर आप एक बॉटल ख़रीदेंगे तो $2 तक की मिलेगी, लेकिन अगर आप कॉस्टको में जाके
सीन में बहुत सारी बॉटल्स उठा लेंगे, जैसे 36 ऐसे करके, तो वो आपको सेल पे मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये पानी रखा हुआ है, तो ये एकदम सेल पे था, तो हम लोगों ने ये पूरा क्रेट उठा ली है पानी के, क्योंकि हम लोग जब कहीं जाते हैं तो कोई ज़रूरत पड़ती है तो फिर लेके हम लोग रख लेते हैं। और आज जब कॉस्टको गए हुए थे तो बस सोचा कि वहाँ से पाव उठा लेते हैं, ऑफकोर्स ये मुंबई वाले पाव नहीं थे, लेकिन हम लोग लेके आ गए हैं, तो फिर सोचा कि आज पाव लेके आए तो पाव भाजी बनाते हैं। उसके लिए हमने प्रिपरेशन कर ली है ऑलरेडी, बॉयल करके और पीज और मेरे पास कॉलीफ्लावर था वो सब डाल के हम लोगों ने बॉयल करके लिया है, उसको मैश कर रहे हैं। पाव भाजी जैसे कि बोला जाता है बटर बनाते हैं, बट हम मोस्टली ऑलिव ऑयल ही यूज़ करते हैं। ऑयल ऑलरेडी डाल दिया है और ये चॉपर में हमने अनियन और गार्लिक दोनों को चॉप कर लिया है अच्छे से। और ये देखिए अनियन गार्लिक को थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक चलाते हैं, जब ये अच्छे से पक जाता है। इधर हमने थोड़ा टमाटर भी, एक टमाटर को चॉप करके रख लिया है, और इसके साथ मेरे पास टोमेटो पेस्ट भी है, वो हम ज़्यादातर पाव भाजी में यूज़ करते हैं, और जैसे कि राजमा वगैरह बनाए उसमें भी हम टोमेटो पेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, तो टोमेटो पेस्ट भी डाल दिया, और थोड़ा सा टमाटर जो चॉप करके रखा हुआ था वो भी डाल दिया। उसको इसे चला के थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। ये पाव भाजी मसाला जो अब हमें इसमें डालना रहेगा, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कितना आप बनाने वाले हैं पाव भाजी का भाजी, तो उसके अनुसार आप अपना मसाला यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों के यहाँ ना मसाला ज़्यादातर किसी को अच्छा समझ में नहीं आता है, क्योंकि मसाले से क्या है एसिडिटी बढ़ जाती है, तो हम मोस्टली बहुत कम मसाले यूज़ करते हैं, रिच फूड ही बहुत कम ही बनाते हैं, मोस्टली हम ऑलिव ऑयल यही सब यूज़ करते हैं, इवन कैसियो पेस्ट है, आलमंड पेस्ट, ये सब कम ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता है ये सब चीज़ें। कि भाजी तो तैयार हो चुकी है, पाव सेकने का टाइम आ गया है और सब लोग खाने के लिए आ गए थे, और ये हमने ऑलरेडी अनियन को चॉप करके रख लिया है, उसमें हम थोड़ा सा विनेगर डालते हैं, नमक और मिर्च डाल के बहुत अच्छा लगता है। पाव सेक चुके हैं, सब लोग आ चुके हैं, अब उन लोगों को बस डिनर सर्व करना है। अभी लोगों को हमने पाव भाजी दे दी है ऑलरेडी, सबने स्टार्ट कर दिया, उन सबको पाव भाजी बहुत अच्छी लगी। इस तरह से आज का मेरा पूरा दिन इस तरह से निकला है, वो आप लोगों को हमने दिखा दिया, होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज़ ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून।